गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10th और 11th। क्वेश्चन नंबर 9th है हमारा, राणा वांट टू बाय शर्ट फॉर समर। राणा गर्मियों के लिए शर्ट खरीदना चाहता है भाई। शुड ही बाय कॉटन शर्ट, क्या उसे सूती कमीज लेनी चाहिए और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, या शर्ट लेनी चाहिए कमीज उसको लेनी चाहिए जो संश्लिष्ट रेशों से बनी हो। एडवाइस राणा, एडवाइस देनी है इसको, गिव योर रीजन। तो क्या करना चाहिए बेराना को समर के लिए, राणा शुड बाय शर्ट मेड फ्रॉम कॉटन, जो कॉटन से बनी हो। ऐसा क्यों है भाई, कॉटन से बनी हुई शर्ट क्यों लेनी चाहिए राणा को, क्योंकि कॉटन से बनी हुई शर्ट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है, और वाटर एब्जॉर्ब करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा। तो जैसे ही गर्मियों में आपको पता है हमारी बॉडी से पसीना ज़्यादा आता है, स्वेट ज़्यादा आता है, जिससे क्या करेगी वो कॉटन शर्ट स्वेट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब कर ली, ज़्यादा से ज़्यादा पसीना सोखेगी और उसको क्या करेगी, एक्सपोज करेगी किसको, एनवायरनमेंट को। और जैसे ही एनवायरनमेंट को एक्सपोज करेगी, इन टर्न जैसे ही वो स्वेट होगा क्या होगा, वो पसीना एवेपोरेट होगा, तो वो अपनी बॉडी को क्या देगा, कूलिंग देगा। तो इसलिए राणा को क्या बाय करनी चाहिए, शर्ट जो कॉटन से बनी हो। तो क्या लिखेंगे इसमें, राणा शुड बाय शर्ट मेड फ्रॉम कॉटन, इट इज बिकॉज कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब मोर वाटर। ऐसा क्यों है, क्योंकि कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब मोर वाटर। एज ए रिजल्ट द कॉटन शर्ट एब्जॉर्ब मोर स्वेट, ज्यादा पसीने को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से कॉटन की जो कमीज है एब्जॉर्ब मोर स्वेट, ज्यादा पसीना क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, कमिंग फ्रॉम कहां से आ रहा है, आवर बॉडी एंड एक्सपोज इट टू एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट को एक्सपोज करेगी, दे देगी ये जो भी स्वेट होगा। हेंस द कॉटन क्लॉथ helps in keeping our body cool, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कॉटन क्लॉथ होंगे, कॉटन शर्ट होगी, वो हमारी बॉडी को क्या करेगी, ठंडा रखेगी। इसलिए हमें गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। 10th क्वेश्चन है हमारा, पढ़ेंगे, गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देना टू शो, क्या दिखाना है, दैट कि प्लास्टिक आर नॉन क्रोइजिव इन नेचर, उनको जंग नहीं लगता, संक्षारण नहीं होता, वो खराब नहीं होते, प्लास्टिक आर नॉन क्रोइजिव इन नेचर। नॉन क्रोइजिव कैसे हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रोंग केमिकल रखने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, उनके अंदर स्ट्रोंग केमिकल रखने के बाद भी उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। प्लास्टिक आर नॉन क्रोइडेड इवन इफ दे कम इन कॉन्टेक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल, अगर ये स्ट्रॉन्ग केमिकल के कॉन्टेक्ट में भी आते हैं। प्लास्टिक्स आर नॉन क्रोइडेड इवन इफ दे आर इन कॉन्टैक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल। प्लास्टिक नॉन क्रोइडेड या खराब नहीं होती, इवन इफ जब उनको किस में रखा जाता है, चाहे वो कॉन्टैक्ट में आ जाए स्ट्रॉन्ग केमिकल के,
अब जो क्लींजिंग एजेंट होता है हमारे घरों में, जो क्लींजिंग एजेंट है उनको प्लास्टिक की बोतल में इसलिए रखा जाता है, क्लीनिंग केमिकल होता है, यूज होता है होम में। फॉर एग्जांपल द क्लींजिंग एजेंट यूज्ड इन होम इज स्टोर्ड, किसमें स्टोर किया जाता है वो भाई, प्लास्टिक बोतल। अरे भाई जो टॉयलेट क्लीनर होता है, टॉयलेट क्लीनर को भी क्या किया जाता है, प्लास्टिक की बोतल में रखा जाता है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग केमिकल है, क्लींजिंग एजेंट बोल सकते हैं हम इसको। फॉर एग्जाम्पल द क्लींजिंग एजेंट यूज इन होम इज स्टोर्ड इन प्लास्टिक बोतल इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इन मेटल वेसल, धातु के बर्तन की बजाय उनको स्टोर किया जाता है किसमें, प्लास्टिक की बोतल में। क्यों स्टोर किया जाता है, बिकॉज इसे ये भी प्रूव होता है कि प्लास्टिक क्या है, नॉन क्रोइडिड है नेचर में। आज के लिए यही दो क्वेश्चन करेंगे भाई, थैंक यू।